अच्छा विवियन की इस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए आप क्रिप्टोग्राफी यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने एक किसी मैसेज की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है कि ये मैसेज अपने इंटेंडेड जो रेसिपिएंट है या ये मैसेज जिस रिसीवर ने रिसीव करना है ये सिर्फ उसी को नज़र आए या ये जिस बंदे के लिए है ये उसी वही इसको रीड कर सके, तो इसको आप कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर एक मैसेज एक बंदे के लिए, फॉर एग्जांपल एक मैसेज एक पर्सन बी के लिए इंटेंडेड है कि बी ही इसको रीड कर सकता है, लेकिन अगर सी उसको रीड कर लेता है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो जाती है। तो सी को उस मैसेज को रीड करने से बचाने के लिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी के कुछ मेजर्स लेते हैं, जिसमें से हमारे पास एक मेजर या जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है कि आप किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये कि आप उसको किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि कोई और बंदा उसको रीड नहीं कर सकता, सिर्फ वही बंदा उसको रीड कर सकता है जिसके पास उसकी की होती है या जिसको पता होता है कि इस मैसेज को कैसे डिक्रिप्ट करना है। तो सिर्फ वही बंदा उसको डिक्रिप्ट कर सकता है और उसको रीड कर सकता है। अगर वो मैसेज किसी थर्ड पार्टी के हाथ लग भी जाता है तो उसको नहीं पता होगा कि ये किस तरह से डिक्रिप्ट होगा, इसकी की क्या है, तो इस तरह से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इंक्रिप्शन के अंदर। एक फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, की क्या होती है और जो साइफर है वो क्या होता है। प्लेन टेक्स्ट वो मैसेज है जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल रीडेबल फॉर्म में, कि कोई भी बंदा उसको रीड कर सकता है, वो एक प्लेन टेक्स्ट फॉर्म है। आप प्लेन टेक्स्ट मैसेज को किसी एक फंक्शन में पास करते हैं, वो फंक्शन उस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है। वो जो फंक्शन है, वो जो मेथड है, वो जो मेथडोलॉजी मैकेनिज्म है जो उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं साइफर। ठीक है, जो साइफर है वो बेसिकली वो फंक्शन या वो मैकेनिज्म है जो मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है। अच्छा, अब इनक्रिप्शन के लिए आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी चाहिए होता है, जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर को पता होता है। क्यों? क्योंकि जो इनक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो पूरी दुनिया को नोन है कि फॉर एग्जांपल एक इनक्रिप्शन का मेथड है डेस, एक है एईएस, एक है आरएसए। तो पूरी दुनिया को पता है कि डेस कैसे काम करता है, एईएस कैसे काम करता है, आरएसए कैसे काम करता है। अगर उनके पास वो इनक्रिप्टेड मैसेज आ भी जाए तो वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। हालांकि उनको पता होता है कि ये डेस से इनक्रिप्टेड है तो ये डेस से डिक्रिप्ट होगा, लेकिन उनके पास की नहीं होती जिसकी बेस पे वो मैसेज डिक्रिप्ट हो रहा होता है या इनक्रिप्ट हुआ होता है। तो वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जब किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करते हुए आप उसके साथ ऐड करते हैं तो वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। और वो जो की है एक्चुअली वो सेंडर और रिसीवर दोनों को पता होती है। तो जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर को पता होता है, अच्छा ये डेस्क से डिक्रिप्ट होगा लेकिन की इसके साथ में ये वाली इसको एज इनपुट दूंगा तो ये मैसेज डिक्रिप्ट होगा। अगर अटैकर के पास वो मैसेज चला भी जाए तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता सिर्फ डेस्क के पता होने से। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट या वो की नहीं है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं शेयर्ड की। ये की दोनों पार्टीज के अंदर पहले से शेयर्ड होती है। अच्छा, उसके बाद जो प्लेन टेक्स्ट को जब आपने किसी फंक्शन के अंदर कि प्लेन टेक्स्ट को आपने किसी साइफर को पास किया विद की, तो वो उस मैसेज को इनक्रिप्ट कर देता है। जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, जो आउटपुट होती है उस फंक्शन की, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो वो जो साइफर टेक्स्ट है बेसिकली वो टेक्स्ट होता है जो साइफर से की आउटपुट होती है। ठीक है, साइफर की आउटपुट है या जो इनक्रिप्टेड मैसेज है उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अच्छा, कुछ क्लासिकल इनक्रिप्शन टेक्निक्स हम देख लेंगे ताकि आप पेपर में भी एग्जाम में भी इजीली सॉल्व कर लें। क्लासिकल इनक्रिप्शन टेक्निक्स को हम पेन एंड पेपर साइफर भी कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में जब इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, कैलकुलेटर, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो सारी कैलकुलेशन, सारी इस तरह की ऑपरेशंस पेन एंड पेपर से सॉल्व किए जाते थे। तो ऐसे इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो पेन एंड पेपर से आप सॉल्व कर सकते हैं उनको हम क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स कहते हैं, कि वो पुरानी टेक्निक्स थी, आजकल हम उनको पेन एंड पेपर साइफर भी कह देते हैं कि आप वो पेन एंड पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेजर तीन कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं इंक्रिप्शन जो साइफर्स हैं इनके टाइप्स की। एक होता है सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब ये होता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना। फॉर एग्जांपल ए की जगह डी लिख दिया, या आप कह लें कि जी मैं ए को एट द रेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसको आप
कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि आपने ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया एट द रेट से, तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है कि आप किसी कैरेक्टर को, किसी लेटर को, किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। फिर इसी तरह दूसरी जो टेक्निक्स है जो साइफर की मेन कैटेगरी है वो है ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन साइफर क्या होता है कि वो कैरेक्टर्स वही रहते हैं, उन कैरेक्टर्स को किसी और कैरेक्टर से रिप्लेस नहीं करते लेकिन उनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज है हेलो, तो मैं ओ को पहले ले जाऊँ, ई को एंड पे ले जाऊँ, जो एल है उसको मैं सेकंड नंबर पे ले जाऊँ, एच को मैं फोर्थ नंबर पे ले जाऊँ एंड सो ऑन। तो जो ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन का मतलब ये कि आप उनकी पोजिशन को टेक्स्ट की या करेक्टर्स की पोजिशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। तो मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर, सब्स्टिट्यूशन के अंदर आप रिप्लेस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है उसको आपने एट द रेट से रिप्लेस कर देना, टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है उसको आपने सिक्स से रिप्लेस कर देना, तो ये सब्स्टिट्यूशन साइफर कहलाता है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर रहे, किसी दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर की एग्जांपल हैं कौन कौन सी, एक तो उसमें आता है हमारे पास रॉड 13 है। रॉड 13 का मतलब ये है कि हर करेक्टर को आप उसके 13th करेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लेन टेक्स्ट के लिए जो आप यूज़ करेंगे मैपिंग वो ये होगी ए से लेके जी तक, और अब ए के बाद 13th नंबर के ऊपर जो भी करेक्टर है वो ए की जगह ले लेगा। आप जहाँ जहाँ पे ए आएगा ना उसको अब आप एन से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे बी होगा उसको आप ओ से रिप्लेस करेंगे, जहाँ पे सी होगा उसको आप पी से रिप्लेस करेंगे एंड सो ऑन। ये इसको कहते हैं रॉड 13। क्यों 13 क्यों? क्योंकि 13th पोजीशन पे जो भी करेक्टर है, हर करेक्टर की 13th पोजीशन वाला करेक्टर आपने उससे रिप्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अब ये है एक मैसेज टी, दिस इज अ सीक्रेट। अब टी को किस से रिप्लेस करना है, हम यहाँ पे इस मैप में देख लेते हैं कि टी हमारा रिप्लेस होगा जी से, ठीक है। मींस के सिंपल आप इस तरह रख लेंगे टी के बाद 13, टी के बाद 13 काउंट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे टी है इस मैसेज के अंदर उसको आप जी से रिप्लेस कर देंगे। अब देखें जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट में टी है तो ये भी जी से रिप्लेस्ड है, इसी तरह एंड पे टी है ये भी जी से रिप्लेस्ड है, इसी तरह एच जो है वो अपने 13th वाले कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। ये एच है तो इसका 13th कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यू बन जाएगा, ठीक है। अब ये एच है, ये आपने यू से रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका साइफर टेक्स्ट है। अब की क्या है इसमें, जो साइफर है वो एक्चुअली ये है कि वो रिप्लेस कर रहा है हर किसी करेक्टर को किसी दूसरे करेक्टर के साथ, लेकिन की क्या है, की इसमें 13 है, ठीक है। 13th कैरेक्टर से आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो अब ये एक साइफर टेक्स्ट है, इंक्रिप्टेड मैसेज है। जब ये किसी रिसीवर के पास पहुंचेगा और उसको पता होगा कि ये 13 की से बना हुआ है, तो वो हर कैरेक्टर में से 13 माइनस करता जाएगा, तो उसके पास रियल मैसेज आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद है सीजर साइफर। सीजर साइफर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रॉड 13 है, लेकिन रॉड 13 के अंदर आप 13 पे रोटेशन कर रहे होते हैं कि आप हर करेक्टर का 13th करेक्टर उस करेक्टर से रिप्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आप हर करेक्टर का 3rd करेक्टर उससे रिप्लेस करते हैं, तो ये इसको हम सीजर साइफर कहते हैं। सीजर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जूलियस सीजर ने जो एम्परर था रोमन, उसने फर्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया था, तो इसलिए उसके नाम से ये मशहूर है ये साइफर। अब इसमें क्या होता है कि ए को आप उसके 3rd कैरेक्टर से रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल ए है तो 1 2 3 डी से रिप्लेस होगा एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको अगर आपने इनक्रिप्ट करना है तो हर कैरेक्टर को उसके 3rd पोजीशन वाले कैरेक्टर से आप रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल ई है तो एफ जी एच ये 3rd बन रहा है, और ये आपने यहाँ पे एच पी को एच से रिप्लेस कर दिया एंड सो ऑन। उसके बाद है मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। ऐसे सब सिंपल मेजर दो आपके पास दो टाइप्स आपको पता चल गई हैं, रॉड 13 और सीजर साइफर। मोनो अल्फाबेटिक क्या होता है कि आप एक अल्फाबेट को किसी दूसरे अल्फाबेट से रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे आप इसमें कर रहे थे, तो ये भी आपके मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर से, ठीक है, कि आप इसमें जो मर्जी रखें। अगर आप 3 रखेंगे तो सीजर साइफर कहलाएगा, 13 रखेंगे तो आप उसको रॉड 13 कहेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी और की रखते हैं तो आप उसको कहेंगे मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, लेकिन वर्किंग उसकी सेम होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है जो जिस तरह भी हमने देखी है सीजर साइफर रॉड 13 के थ्रू, ये
ये इजी टू क्रैक है, इसमें मतलब मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज है की कि वो 1 से लेके 26 तक है, या 1 है 2 है 3 है 4 है या अप टू 26 पे भी नंबर है, तो वो इजीली क्रैक हो सकता है। आप 1 में 1 सारे ट्राई करें तो वो क्रैक हो जाएगा। उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक साइफर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम कहते हैं विगनर साइफर। विगनर साइफर के अंदर क्या होता है कि आपकी की जो है वो नंबर नहीं होती। जिस तरह अभी हमने सीजर साइफर और रॉड 13 देखा, इसमें आपकी की थी नंबर्ड, ठीक है, सीजर साइफर में 3 थी और रॉड 13 में 13 थी। विगनर साइफर में आपकी की नंबर्ड नहीं होगी लेकिन वो कोई टेक्स्ट होगा, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, जंप ओवर द, ठीक है। अब ये एक प्लेन टेक्स्ट है, इसको आप किस की से इंक्रिप्ट करेंगे, तो आपकी की है माई की, ठीक है। टेक्निक इसमें क्या है कि जितना बड़ा आपका मैसेज है आपने की को उसके साथ रिप्लेस करना, मतलब मैप करना। फॉर एग्जाम्पल आपने मैसेज लिखा प्लेन टेक्स्ट JUMPOVERTHE, आपका इतना ही मैसेज है, लेकिन आपके पास की है MYKEY, ये तो 5 करेक्टर्स हैं, लेकिन आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो ज़्यादा करेक्टर्स का है, तो आप हर करेक्टर को की के साथ मैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई की, फिर दोबारा से माई की, और ये उसी तरह चलता रहेगा जब तक आपका मैसेज खत्म नहीं हो जाता। इसमें माई की आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे MJ के साथ मैप होगा, YU के साथ, और इस तरह से करके, और यहाँ पे देखें M वापस V के साथ हो रहा है, तो ये हर दफ़ा डिफरेंट टेक्स्ट बनेगा। अच्छा, अब जो आपका साइफर टेक्स्ट है वो ये निकलेगा। अब इसको आप कैसे करते हैं, विगनर साइफर को आप कैसे सॉल्व करेंगे? विगनर साइफर के लिए आपके पास एक टेबल है, इस टेबल में आपके पास एक तो कॉलम के हेडर्स हैं, ये वाले ABCD अप टू Z, और फिर रो के स्टार्ट में आपके पास रो के इंडेक्सेस हैं ABCD अप टू Z, ठीक है। अच्छा, अब इसमें करते हैं आप कैसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास की है माई की और प्लेन टेक्स्ट आपके पास जंप ओवर द, तो आपने साइफर टेक्स्ट रिट्रीव करना है, आपको ये नहीं पता, आपने ये फाइंड करना है साइफर टेक्स्ट, तो आप M और J को मैप कर रहे हैं। अब आप इसमें कैसे करते हैं कि जो आपके पास कॉलम के हेडर्स हैं उसमें आप की का जो करेक्टर है वो ढूंढेंगे, और जो ये आपके पास जो रोज का स्टार्टिंग इंडेक्स है उसमें आप प्लेन टेक्स्ट का करेक्टर ढूंढेंगे। अब देखिए माई की है तो की का जो M है ये आपने इसके अंदर फाइंड किया M, जो प्लेन टेक्स्ट है उसका J आपने इधर से फाइंड किया J। इन दोनों को आपस में देखें कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका पॉइंट बनता है V, तो आपका जो साइफर टेक्स्ट होगा वो होगा V। इसी तरह Y और U है, तो यहाँ पे आप Y ढूंढें, और ये आपका Y है, और यहाँ पे आप U ढूंढें, ये U है, इनको देखें किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका S, ये आपका साइफर टेक्स्ट। इसी तरह आप करके ये अपना साइफर टेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। ये इसकी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इसकी कैसे होगी? चलें यहीं से डिक्रिप्ट करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास की ये है, ये रिसीवर को की पता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ VSWTMHCVSON, और मेरे पास की है ऑलरेडी माई की। अब आपने इसको डिक्रिप्ट करना है, आपको प्लेन टेक्स्ट नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि जो आपके पास टॉप हेडर है इससे आप अपना की वैल्यू ढूंढेंगे, और फिर इसी के नीचे आप देखेंगे कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ रहा है। ये M है और मेरा साइफर टेक्स्ट है V, तो मैं M के नीचे देखूंगा कि मेरा साइफर टेक्स्ट क्या है, तो ये V है, और फिर इसके स्टार्ट में जो आपके पास रो का हेडर होगा ये आपका प्लेन टेक्स्ट होगा, ठीक है। जिस तरह इंक्रिप्शन में आपने दोनों के हेडर देखे थे और इंटरसेक्शन पॉइंट देखा था, इसमें डिक्रिप्शन में आप हेडर, टॉप हेडर की के लिए और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखे होंगे जहाँ तक वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल M है तो M के साथ साइफर टेक्स्ट आपको जहाँ तक मिलता है आपने वहाँ तक जाना है V, और फिर इसको आपने बैक ट्रेस करना है इसके रो के इंडेक्स के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा J, ये आपका प्लेन टेक्स्ट।